जी तो नाजरीन किराम, सफ़र काफ़ी लंबी है और मैं अकेले जा रहा हूँ गाड़ी में। मेरी आदत है कि ड्राइविंग करते हुए मैं म्यूज़िक मुझसे न हो सकी है ज़माने की बंदगी, मुझसे न हो सकी है ज़माने की बंदगी, मखार भी नहीं और अदाकार भी नहीं। मुद्दत से इन आंखों में जलन देख रहा हूँ, मुद्दत से इन आंखों में जलन देख रहा हूँ, हर शख्स के माथे पे घुटन देख रहा हूँ, क्यों चांद के चेहरे पे गहन देख रहा हूँ, मैं वक़्त के माथे पे शिकन देख रहा हूँ। सुनते खानों और देखती आंखों को सलाम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और आपके स्क्रीन पे है एम एन शाकिर विलाग एंड एम नसीम खान शाकिर फेसबुक पेज। नाज़रीन किराम, आज के विलाग का आगाज़ अपने दिल की कुछ गली सड़ी बातों से करते हैं। तो आइए ये रोड ट्रिप भी देखिए और मेरी गुफ्तगू भी सुनिए। जी तो नाज़रीन किराम, सफ़र काफ़ी लंबी है और मैं अकेले जा रहा हूँ गाड़ी में। मेरी आदत है कि ड्राइविंग करते हुए मैं म्यूज़िक नहीं सुनता, यानी कि म्यूज़िक का इस्तेमाल मैं नहीं करता। और आजकल कुदरती तौर पे कुछ ऐसे माहौल बन गया हुआ है कि दिल नहीं करता है कि किसी टीवी चैनल टेलीविज़न के चैनल पे बैठें और न्यूज़ देखें या कुछ मतलब जो हालात हैं मुल्क के उस हिसाब से दिल नहीं करता है कि टीवी पे बैठ के न्यूज़ देखें, क्योंकि सारे झूठ प्रोपेगंडे फराड और यकतरफा मिशन चालू है। लेकिन मायूस होना गुनाह है, मायूस हम नहीं होते। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क के साथ जो वफादार हैं, जो मुल्क और इस आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, अल्लाह उसको सरखरू और कामयाब करें। और जो इस मुल्क से गदार हैं, अपनी तजूरी के बारे में सोच रहे हैं या अपने माल बनाने के चक्कर में, अल्लाह उसे नेस्त नाबूद जलील और ख्वार कर दें। ये हमारी दुआ है, क्योंकि एक साला दौर हमने देखा मौजूदा हुकूमत का कि इन्होंने आवाम के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया, सिर्फ अपने लिए लगे हुए हैं और या अपने इंतकामी सियासत में। खैर चलें, वो उनकी अपनी ज़ाती फ़ैल है और इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ ये दुआ ही हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए, और अगर काबिल हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला नेस्त नाबूद कर दे। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। खैर नाज़रीन, इस गुफ्तगू में आगे नहीं चलते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक चॉइस और अपना एक नज़रिया होता है और कोई किसी के नज़रिए को तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे कि मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने नज़रिए के प्लेटफॉर्म पे ले आऊँगा तो वो गलत सोच है, उससे कुछ नहीं होता। आजकल के जो हालात बने हुए हैं, ये हालात आज PDM वाले तहरीक इंसाफ के लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन कल को ये बात आप यकीन जानें और याद रखें कि यही हालत जो है ना PDM की हो और इनकी जमात की। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह वो करे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर हो। तो नाज़रीन किराम, आज के विलाग और रोड ट्रिप के साथ साथ आप लोगों से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू की। मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ कुछ देसी टाइप का है, माइंड मत कीजिएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से मैं ये इल्तिमास करूँगा कि काइंडली आप भी चैनल का विज़िट करके सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और मैं हमेशा वीडियो रोड ट्रिप के लिहाज से बनाता हूँ, कभी कभी कुछ और बातें भी आ जाती है बीच में, लेकिन ज़्यादा मेरा काम जो है वो मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ नए रोड पे और नए एरिया, नई व्यू अपने नाज़रीन के सामने लाने की कोशिश होती है। तो आज के व्लॉग का अख्तिताम करते हैं यहीं पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। उतनी देर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।